All right, dear students. Now, illustration number 33. Find dy by dx if y is 2x plus x is 2y plus x is 2x is equal to a is to b is constant. ये सारे टर्म्स को देखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल में लेकिन थोड़े से अलग है. किस तरह से तो वेरिएबल इज टू वेरिएबल है तो डायरेक्टली हम लॉग ले भी नहीं सकते. तो हम क्या कहेंगे u प्लस w a इज टू b डिफरेंशिएट अबाउट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमें यहां पर मिलेगा du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx. ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो मिलेगा. इसे इक्वेशन नंबर टू कहेंगे वेयर वेयर u इज इक्वल टू व्हाट y इज टू x. तो यहां पर दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे पहले तो लॉग u इज इक्वल टू x इनटू लॉग y. क्लियर. अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. लॉग u का होगा 1/u. ये टर्म का हम आगे लेंगे du by dx. x कांस्टेंट रहेगा यहां पर y आएगा. x कांस्टेंट लॉग y का होगा 1/y इनटू इस y को हम आगे बढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए dy by dx प्लस लॉग y टर्म कांस्टेंट रहेगा और पहले टर्म x का डिफरेंशिएशन होगा 1. सो फाइनली वी विल राइट du by dx इज इक्वल टू u. u यहां पर मिल रहा होगा x अपॉन y इनटू dy by dx प्लस ओनली log y. व्हाट इज u? u मींस y raised to x. सो फाइनली y raised to x इनटू x अपॉन y इनटू dy by dx. दोस्तों हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हम ओपन ही कर देंगे. मतलब u का मतलब होगा y raised to x मल्टीप्लाई विद दिस टर्म x अपॉन y dy by dx प्लस y raised to x u आल्सो मल्टीप्लाई विद log y इनटू log y गिव इन इक्वेशन नंबर 3. एंड दूसरा जो टर्म है v इज इक्वल टू x raised to y इसे हम v कहेंगे. ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनको हमें समझना है. तो पहले log लेंगे तो log v इज इक्वल टू y इनटू log x. अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1/v रहेगा इनटू dv by dx. चलो पहले y कांस्टेंट रहेगा. बोलिए आप बताइए log y का क्या होगा डिफरेंशिएशन log x का 1/x. हां बिल्कुल सही. हां समझ गया. log x का होगा 1/x प्लस log x कांस्टेंट रहेगा. बोलिए दोस्तों y का क्या होगा डिफरेंशिएशन. ओह वेरी राइट dy by dx. मतलब आप घर पे की प्रैक्टिस तो करते हैं ऐसा दिखाई पड़ रहा है. फाइन dv by dx is equal to v cross multiplication in y upon x plus log x into dy by dx. अब v को दोनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. बट v नो वेरी वेल व्हाट इज v. v मींस x raise to y into y by x raise to y into log x into dy by dx equation number 4. क्लियर. ये हमें मिल गया डी बाई डी एक्स. अब भी और क्या चाहिए? तो ये जो टर्म है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स एस टू एक्स लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स इन टू लॉग एक्स होगा. एक्स आगे और इसका लॉग होगा. इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/w इसका आगे होगा डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल. तो आप ही बताइए पहला टर्म कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव क्या होगा. हाँ यस 1/x प्लस
x कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, यस 1, यहां पर x x कैंसिल रहेगा, dw by dx is equal to w into 1 plus log x. What is w? W means x raised to x, x raised to x into 1 plus log x number 5. तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप याद रखिएगा x raised to x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली याद रखिए, क्योंकि कहीं जगह पे काम आएगा. तो x raised to x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में डाल दिया, क्या होगा, सेम x raised to x into 1 plus log x. क्लियर दोस्तों? तो मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क भी देता हूं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to 4x. ठीक है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करें, देखते हैं कौन कितना कर रहा है. चलो ओके, अभी तो हमें डेरिवेटिव्स तो फाइंड करना ही बाकी है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 4 5 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी की सारी वैल्यू ऐड करेंगे यहां पर. तो सबसे पहले लिखना है y raised to x into x upon y into dy by dx plus y raised to x into log y. ओके, प्लस ये होगा 4 नंबर, x raised to y into y upon x plus x raised to y into log x into dy by dx plus x raised to x into 1 plus log x is equal to 0. कितना बड़ा ये क्वेश्चन आने की, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, दिमाग में नहीं बढ़ा रही है, व्हाइट बोर्ड बढ़ाई है, नोट पे बढ़ाई है. अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर डिवाइड बाय dx लिख रहा है, यहां पर dy, दोनों टर्म में से dy by dx को कॉमन लेंगे. ओके दोस्तों, dy by dx जैसे ही कॉमन लेते हैं बचे आ गया, ध्यान से y raised to x minus 1 into x, समझ रहे हैं, प्लस यहां पर x raised to y into log x, ये होगा. बाकी के टर्म को राइट साइड लेते जाएंगे और वो सभी के सभी माइनस हो जाएंगे, ये और ये सभी टर्म. तो माइनस सब में हमने कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा यहां पर, यहां पर बचेगा y raised to x into log y plus x raised to y minus 1 into y plus x raised to x into, समझ रहे हैं दोस्तों, एंड फाइनल आवर आंसर इज dy by dx is equal to minus y raised to x into log y plus y into x raised to y minus 1 x raised to x into plus log x divided by x into y raised to x minus 1 plus x raised to y into log x. ये है इसका आंसर. बढ़िया आंसर है मेरे दोस्तों. यदि आप आंसर में कंसीडर करना चाहोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूं आज. देखिए कौन सा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 5.5 में एग्जांपल नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 एंड नंबर, बस इतना है. ये तीन क्वेश्चंस आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो. दूसरा एक्सरसाइज 5 में दोस्तों, एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 5 में एग्जांपल नंबर 10, ये क्वेश्चन और ये तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करनी है. बोलो करेंगे कि नहीं? हाँ करना ही है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखो फिर राइटिंग प्रैक्टिस करो दोस्तों. क्लियर? तो आज के वीडियो में यहां तक.